की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल में हम बात करेंगे बेसिक एक्सेल की कुछ ट्रिक्स को, जो कि हमारा है एक्सेल फाइल मेनू बार। फाइल मेनू बार में हमने लास्ट क्लासेस में सारे टॉपिक्स कवर कर ली थी, सिर्फ एक टॉपिक था ऑप्शन, वो बच गया था। अब जब मैं ऑप्शन पढ़ाता हूं तो हमारे कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल कभी कभी कर देते हैं कि सर आप पहली या दूसरी क्लास में पढ़ाते हैं, हम एक्सेल की सेटिंग को चेंज करना हम पहले दूसरे में सीख रहे हैं, जनरली दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में, तो बाकी चीजें तो अधिकतर बाद में बताई जाती है, क्योंकि पहले जब कुछ जान ले सॉफ्टवेयर को तब सेटिंग करें। लेकिन मेरा यहाँ पे ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। मैं कहता हूँ कि जब भी कोई नई डिवाइस या कोई नई चीज हम लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर। अब जैसे एक नया सेलफोन आप लेते हैं, एक नया फोन ही आपने परचेज किया, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी रिंगटोन, इसका वॉलपेपर, इसका जो ये है अलार्म सिस्टम, डिफॉल्ट सेट तो होता है लेकिन फिर भी आप अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। उसी तरीके से आपके सामने एक्सेल है, इसको भी आप जो है अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। इसमें डिफॉल्ट सेटिंग तो होती है, फिर भी आप इसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आता है एनेबल लाइव प्रीव्यू। अब देखिए, इसमें सारी सेटिंग जानने की जरूरत नहीं है, जो सेटिंग हमारे और आपके काम की है हम उसी की सेटिंग के बारे में जाने। तो इसमें सबसे पहले आता है एनेबल लाइव प्रीव्यू। एनेबल लाइव प्रीव्यू होता क्या है, प्लीज इसको जान लीजिए। जब भी हम कोई कलर अप्लाई करते हैं और जैसे कलर पर कर्सर लेके जाते हैं, उसकी प्रीव्यू हमें लाइव दिख जाती है। उसकी प्रीव्यू लाइव दिख रही है, तो अगर ये फीचर्स आपको किसी ने डिसेबल कर दिया है या डिसेबल है या अनेबल करना है या डिसेबल करना है, तो यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। अगर चेकबॉक्स पे क्लिक है इट मींस अनेबल है, अदर डिसेबल। यहाँ पर आता है कलेक्ट तो ऑटोमेटिकली रिमूव, जैसे कि आपकी जो कभी कभी होता होगा, एक बार देखो आपको आपका रिमूव हो गया ना सर, इसमें क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पूरा फीचर दिखता है। तो इसको सही करने के लिए जो है सिर्फ क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या फाइल मेनू में कलर्स पे आप क्लिक। उसको एक चीज और आती है, जैसे मैंने बताया था आपको कि हमें किसी भी फीचर्स के बारे में जानना होगा तो हम बस इस पर कर्सर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, इसके बारे में जान जाते हैं स्क्रीन टिप्स। इसमें दो चीजें प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले अगर हम इंटरव्यू लेते हैं तो हम चाहते हैं कोई किसी चीज के बारे में किसी से पूछूं या लगा अप्लाई करने के लिए बोलूं तो वो तुक्का न मार दे, मतलब कि अंदाजा न लगा, इसलिए हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं। दूसरी चीज जो टेस्टिंग काम करते हैं, जैसे ऑटोमेशन, जो जैसे मैं वीडियो डेवलपर था कंपनी में, तो हम लोग रिपोर्ट ऑटोमेशन करते थे, तो उस ऑटोमेशन को टेस्ट करने की एक टीम होती थी जो हर एंगल पे हर तरह का डेटा के हर तरह की सिचुएशन में उस रिपोर्ट को चेक करती थी। अगर कहीं भी एरर आता है या गलत रिपोर्ट रिप्रेजेंट हो रही है तो क्या होता था, वो हमें इंटीमेट करते। तो उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता था कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, तो वो क्या करते थे, सीधे स्क्रीन शॉट लेते थे और मुझे भेज देते। तो स्क्रीन शॉट लेते समय उनके साथ प्रॉब्लम भी क्या होती थी, वो बहुत ज्यादा स्क्रीन शॉट बहुत फास्ट काम करते थे, तो स्क्रीन शॉट लेते समय कर्सर गलती से ऊपर चला गया तो स्क्रीन शॉट भी आपका स्क्रीन टिप्स की स्क्रीन शॉट में आ जाता है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, उससे प्रॉब्लम ये होता है कि पीछे जो चीजें हैं वो हाइड हो जाती है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि आप एक्सेल के ऑप्शन में आए और यहां से डोंट शो स्क्रीन टिप्स कर। दूसरी चीज, जब आप फाइल क्रिएट करते हो तो डिफॉल्ट आपका फॉन्ट और फॉन्ट की साइज, नंबर ऑफ शीट्स और आपका व्यू जो है डिफाइन होता है, तो खासकर फॉन्ट में दिक्कत होती है कि भाई एरियल है या आपका कोई और फॉन्ट है। जैसे कि हम एक यूपी सिंचाई विभाग में गए थे, वाटर मैनेजमेंट जो टीम थी उनकी
टीम को उठाने के लिए गया था, तो मैं कि एक्सेल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है, तो मोस्टली लोगों ने बोला सर टाइप करते इसमें प्रॉब्लम आता है, क्यों? उनका कहना था कि हमारा मोस्टली 90% काम हिंदी में होता है, हमें जो भी लिस्ट निकालने होते हैं, प्रिंट आउट निकालने होते हैं, वो हिंदी में निकालते हैं, तो उनका एक दिक्कत होता था कि वो हिंदी जब टाइप करते हैं तो उनको हर सेल पे जाके हिंदी का फॉन्ट चेंज करना, क्योंकि डिफॉल्ट फॉन्ट तो एरियल या कैलिबरी होता है, तो उनका हिंदी का फॉन्ट है कुछ और होता है, तो हर फॉन्ट हर सीट पे जाके वो फॉन्ट चेंज करना। तो उस केस में हम क्या करते थे, यहाँ डिफॉल्ट जो है हमने क्या किया, आप हिंदी का फॉन्ट कर लीजिए, आपके डिफॉल्ट सिस्टम में हिंदी ही टाइप होगा, कोई और फॉन्ट टाइप नहीं होगा। उसके बाद आता है इसमें साइज और चीज कर सकते ऑथर नहीं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब भी आप किसी फाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर कर्सर रखिए, उसका ऑथर पता चल जाता है कि फाइल को किसने बनाया है, लेकिन क्या होता है कि आपका ऑथर आपके यूजर नेम से कनेक्टेड होता है, तो आपका यूजर नेम ऑफिस में कभी कभी यूजर वन, यूजर टू, एडमिन, इस तरह से वगैरह होता है, आप चाहते हैं प्रॉपर नेम हो तो ये प्रॉपर नेम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए सेम। उसके बाद बात आती है आपके थीम की, अभी मेरा क्या है कलरफुल है, अगर मान लीजिए मैंने यहां कलरफुल के जगह पे मैं यहाँ पे डार्क ग्रे सिलेक्ट करके ओके कर दिया, डार्क ग्रे कर दिया एंड ओके, देखिए डार्क ग्रे, फिर एक्सेल ऑप्शन में आते हैं, डार्क ग्रे के जगह पे मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूं तो ब्लैक हो जाएगा, हो गया सर ब्लैक, अगर मैं व्हाइट कर दूं तो व्हाइट हो जाएगा, या कलरफुल रखूं तो ये आपका कलरफुल होगा, जनरली कलरफुल ही होता है डिफॉल्ट, तो हम कलरफुल रख लेते हैं ओके। अब इसमें एक्सेल ऑप्शन में आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला ऑप्शन आता है वो आता है फॉर्मूला का, फॉर्मूला में कोई खास नहीं है, बस यहाँ पे एक होता है आर्बन सीवन रेफरेंस स्टाइल, रो एंड कॉलम रेफरेंस स्टाइल, जैसे कि एबीसीडी दिख रहा है ए वन टू थ्री हो जाएगा, इस पे क्लिक करना है। दूसरा होता है अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग में क्या होता है, अब इसे एक बार देख लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नंबर को लिख रखा है टेक्स्ट फॉर्मेट, तो यहाँ देखिए आ गया नंबर स्टोरेज टेक्स्ट, मतलब कि जब भी कोई आप ये करते हैं एरर, कोई भी कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं या कुछ ऐसी चीजें लगती हैं लिखते हैं जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको इस तरह से कॉर्नर में अलर्ट दिख जाता है, इसको गायब करने के लिए आप यहाँ पे इग्नोर एरर कर सकते हैं, हाइड हो जाएगा, बट सिर्फ इस सेल के लिए, अनोदर सेल पे फिर आप कुछ ऐसी तरह का कुछ करते हैं, कुछ एरर है, कुछ ऐसा आता है तो फिर आपको वापस आए, बट आप चाहते हैं कि मेरे किसी भी फाइल में इस तरह का एरर ना आए, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला में जाना है, अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग को अनचेक कर देना। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये तो आप कर रहे हैं, ये आपके एप्लीकेशन की सेटिंग है, अगर फाइल किसी को भेजते हैं तो उसमें ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो सेटिंग है वो आपके एप्लीकेशन की है, ना कि एक्सेल फाइल की है। तो अगर आपके यहाँ एरर नहीं दिख रहा है लेकिन किसी के यहाँ एरर अनेबल होगा तो उसके यहाँ एरर दिखेगी, सो आप ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका डेटा कोई खास नहीं है, प्रूफिंग में आपका ऑटो करेक्ट ऑप्शन होता है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े कुछ सेंटेंस है जो कि बार बार आप टाइप करते हो, या कुछ ऐसे साइंटिफिक वर्ड हो जिसको बार बार लिखते हो और आप स्पेलिंग मेरी तरह भूलते हो, मुझे स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसकी शॉर्ट बना सकते हो, जैसे मैंने बना रखा है डी एस,
अब मैं किसी भी एक्सेल सीट पे डीएस टाइप करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो डेली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ डीएस टाइप करके स्पेस किया तो डेली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगा। एज एमएस टाइप करूंगा तो मंथली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगा। तो ऐसे कैसे हो रहा है? तो एक्सेल ऑप्शन में हमने प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ये चीजें यहां सेट की हुई। क्लियर सर? आपके डीएस टाइप करके फिर स्पेस बार दबाएं, ठीक है? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, कोई वो लोग बोल रहे हैं। सर ये आप डीएस टाइप करके स्पेस बार दबाएं थे क्या? हाँ, स्पेस बार। ठीक है, दूसरा चीज एक और होता है कि आप जब भी कोई इंटरनेट पाथ या किसी वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, जैसे हमने लिखा google.com, उस पर हाइपरलिंक लग जाता है। सॉरी, इसमें www. नहीं लगा, इसलिए नहीं आया। ये ईमेल आईडी लिखते हो ना, ये यहाँ पे लिखता हूं मैं kumar@iptindia.com। तो डेटाबेस में हमें इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जैसे एंटर मारते हैं ये आपका हाइपरलिंक में चला जाता है, और जब आपके पास सिस्टम में सारे ये होते हैं लिखने पड़ते हैं डेटा में, तो जब आप क्लिक करने की कोशिश करते हैं, मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करते हूं, क्लिक हो। सो मैं चाहता हूं कि इस तरह का एड्रेस ना हो, तो हम क्या करें इसके लिए? आप एक्सेल ऑप्शन में आए, और एक्सेल ऑप्शन में आने के बाद यहाँ फॉर्मूल इसमें प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आए, और यहाँ ऑटो फॉर्मेटिव टाइप पे इसको अनचेक। जैसे इसको अनचेक करेंगे, अनचेक करने के बाद आपका जो है पूरा का पूरा सिस्टम में चेंज हो जाएगा। किसी भी फाइल के अंदर आप किसी भी तरह का पाथ डालते हैं तो हाइपरलिंक में कन्वर्ट नहीं होगा। सेम में आपका जो डिफॉल्ट फाइल टाइप है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके फाइल में, अगर एक्सेल में आपके फाइल है में अगर आपके पास माइक्रो कोडिंग लगा हुआ है, तो अगर आपने उस माइक्रो कोडिंग वाली फाइल को सेव कर दिया .xlsx, मतलब कि नॉर्मल एक्सेल फाइल जो बाय डिफॉल्ट होता है उसमें, तो आपके सारे माइक्रो लॉस्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है कि जब हम कंट्रोल एस करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो यहां आपको नीचे चेंज करने का ऑप्शन, इसमें दो चीजें होती है। एक होती है आपकी डिफॉल्ट लोकेशन माय डॉक्यूमेंट होता है, और दूसरा यहां फाइल टाइप जो होता है वो एक्सेल वर्कबुक होता है। एक्सेल वर्कबुक में आपने सेव किया, मतलब कि माइक्रो की कोडिंग है वो कोडिंग डिसेबल हो जाएगी। कुलदीप जी प्लीज माइक को म्यूट रखें, आपके बैकग्राउंड शोर आता है। बाबा म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट कर देते हैं। जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए, फिर म्यूट कर दीजिए। तो यहाँ एक्सेल वर्कबुक जो है आपका सिलेक्ट होता है। तो हम लोग गलती से कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं माइक्रो अनेबल वर्कबुक को सिलेक्ट करना, और हमारी सारी मेहनत जो है कोडिंग की हुई जो है वो निकल जाती है। तो इसमें क्या है, आप चाहते हैं जैसे मेरी फाइलें हैं, तो मैं मोस्टली जो है हर चौथा फाइल वीवी प्रोग्रामिंग बनाता हूँ, तो मैंने अपने सेव में जाके सेट किया हुआ है माइक्रो अनेबल। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि माइक्रो अनेबल फाइल में आपका माइक्रो ही सेव होगा, उसमें कुछ भी फाइल सेव कर सकते हैं, नॉर्मल फाइल भी सेव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है डिफॉल्ट फाइल लोकेशन डॉक्यूमेंट के जगह पे आप यहाँ डी ड्राइव, सी ड्राइव या वो कॉमन लोकेशन जहां पे आप मोस्टली फाइल को सेव करते हैं। ये आपका आता है ऑटो रिकवर। ऑटो रिकवर क्या होता है कि हर 10 मिनट पे या जो भी टाइम यहाँ सेट होता है उस स्टेज में जितने भी ओपन फाइल है वो सारे फाइल को एक लोकेशन में सेव करता है, यहाँ इस लोकेशन में सेव करता है। ठीक है, तो अगर लोकेशन चेंज करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सी ड्राइव में जगह नहीं होती है, लोकेशन चेंज कर सकते हो, यहां से टाइमिंग को घटा बढ़ा सकते हो। या क्या होता है कि जब आप कोई बड़ी डंप फाइल ओपन करते हैं
तो हर 10 मिनट या 5 मिनट में आपका एक सेल हैंग हो जाता है। क्यों हैंग होता है? क्योंकि उस पर ऑटो रिकवर चलता है। आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर फाइल में ऑटो रिकवर न चले, तो उस पर्टिकुलर फाइल को डिसेबल कर सकते हैं यहां से क्लिक कर। ठीक है, लैंग्वेज नॉर्मल है, इसमें कुछ करना नहीं, एजी टू एक्सेस में कुछ करना नहीं। एडवांस, एडवांस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें काम की होती है, जैसे एंटर प्रेस करने पर कर्सर डाउन जाता है, तो यहां से आप सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट डाउन जाए, लेफ्ट जाए, अप जाए, या फिर ऑटोमेटिक से आप 500 लिखते हो तो 5 हो जाए, 100 से डिवाइड हो जाए, डेसिमल में आ जाए या परसेंटेज में आ जाए, तो इस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप जो आपका जो फिल हैंडल है तो ड्रैग करते हो, ड्रैगिंग पॉइंट को डिसेबल करना है तो इसको अनचेक करो। उसके बाद यहाँ नीचे और भी चीजें हैं जिसका यूज कर सकते हो आप, जैसे कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, सीट के नेम्स यहां से रिमूव कर सकते हो। ओके, समझ गया सर? जी सर। इसके अलावा यही पे पर्टिकुलर शीट पे, पर्टिकुलर फाइल पे, इसको अपने हिसाब से एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज रिबन है। कस्टमाइज रिबन में क्या है, ये अपने हिसाब से रिबन कोई भी मेनू बार को ला सकते हो, हटा सकते हो। और यहां देखिए कमांड नॉट इन रिबन, तो ये सारे जो चीजें हैं जो एक्सेल में नहीं है, तो सिलेक्ट माने कि आप मेनू बार में डायरेक्ट नहीं है, तो सिलेक्ट करके आप इसको किसी मेनू बार में ऐड कर सकते हो। लेकिन ऐड करते समय याद रखिए ग्रुप में ऐड कीजिएगा। क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें हम, तो ऊपर में जो है आपका जो यहाँ दिखता है ना सर, क्विकली यूज करने के लिए, वो यहां से ऐड कर सकते हैं। तो एक्सेल की सेटिंग थी, आप अपने हिसाब से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज जो है फाइल मेनू बार हमारा खत्म हो गया, कल से हम आपके साथ होम मेनू बार स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन होम मेनू बार को भी बनेंगे। कोई डाउट है, क्वेश्चन है आप लोगों को सर? हाँ सर, सर मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ सर, जैसे मेल पे अगर फोल्डर बनाना हो, थोड़ा ये सिलेबस के बाहर है क्वेश्चन। किस मेल पे, आउटलुक की बात कर रहे हैं? नहीं सर, जैसे मेल पे अगर फोल्डर बना के मैं सोचूं कि अपनी जो भी कुछ डॉक्यूमेंट है या कुछ वैसे सेपरेट फोल्डर, उसको जीप में डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, राइट क्लिक सिलेक्ट कर लीजिए फाइल्स को, राइट क्लिक और जीप कर दीजिए। अच्छा अच्छा, मैं ट्राई करूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना सर आज, क्योंकि ठीक है। ओके सर, आज थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहा हूँ सर, ठीक है ना सर?